हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मटर पनीर पुलाव। बहुत ही सिंपल और इजी बनने वाली रेसिपी है ये, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में 2 बड़े चम्मच घी को गरम करेंगे। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं पनीर के पीसेस को फ्राई कर रही हूँ घी में। इस तरह से हम छोटे छोटे इसके क्यूब्स कट करेंगे और इन्हें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। 200 ग्राम पनीर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब हम इन्हें अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम उसी ऑयल में साबित गरम मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं इलायची, पत्ता, लौंग, शाजीरा और तेज पत्ता यूज़ कर रही हूँ। 1 मिनट तक के लिए हम घी में फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे और इसके बाद इसमें हम एक मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई वो ऐड करेंगे। प्याज को भी हम 1 मिनट तक के लिए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। प्याज यहाँ पे हल्के से ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं। अदरक और लहसुन भी यहाँ पे अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे इसमें, उसे भी मिक्स कर लेते हैं और साथ ही हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए ऐड कर रही हूँ। इन्हें भी अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे इसे हम पकने के लिए रख देंगे 5 से 7 मिनट तक, ताकि जो टमाटर है वो पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए। देखिए टमाटर यहाँ पे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ पुदीना और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और मिक्स करेंगे इसे। और अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 कप मटर यूज़ कर रही हूँ। ये नॉर्मल मटर है, आप चाहें तो फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कैरेट ऐड करेंगे। आप चाहें तो अपनी फेवरेट कोई भी वेजिटेबल इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मटर और कैरेट यूज़ कर रही हूँ मैं सिर्फ यहाँ पे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें 1-1.5 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पे कुक होने के लिए रखेंगे, ताकि सारा जो मसाला है वो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। जो पनीर हमने फ्राई करके अलग से निकाला था वो अब हम इसमें ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करके 4-5 मिनट तक के लिए कुक होने के लिए हम इसे रखेंगे, ताकि सारा जो मसाला है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और इसके बाद यहाँ पे मैं 3 कप पानी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बासमती राइस कुक करने वाली हूँ तो उसे पहले से ही भिगा कर रख दिया है। 2 कप बासमती राइस लिए हैं और पानी यहाँ पे मैंने 3 कप यूज़ किया है। इसके बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि सॉल्ट हमने पहले ऐड नहीं किया था। तो अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर आप 1 से 1.5 चम्मच नमक ऐड कर लें, इसे मिक्स कर लें और पानी को थोड़ा सा बॉयल होने के लिए रख दें। जैसे ही यहाँ पे पानी बॉईल होना शुरू हो जाएगा हम इसमें चावल को मिलाएंगे। ये बासमती राइस है, इसे 1/2 घंटा पहले अच्छे से वॉश करके मैंने रख दिया था सोक करके। अब हम इसे इसमें ऐड करेंगे। दो कप राइस है और यहाँ पे 3 कप पानी मैंने लिया है। आप अपने अंदाजे के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बीच बीच में इसे 1-2 बार हम मिक्स करते रहेंगे, ताकि
सारा जो मसाला है वो अच्छे से कुक होते रहे चावलों में। और देखिए ये ऑलमोस्ट पक चुका है, चावल अच्छे से यहाँ पे खिले खिले से बन चुके हैं। एक बार अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके 3 से 4 मिनट तक के लिए रख देंगे दम होने के लिए, ताकि जो मॉइस्चर है और वो भी पूरी तरह से ड्राई हो जाए। और 5-6 मिनट के बाद देखिए पुलाव पूरी तरह से तैयार हो गया है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है और राइस भी पूरी तरह से कुक हो चुका है। तो इसे ऊपर से हम थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं हरे धनिया के साथ, और चलिए इसे अब हम सर्व करते हैं। तो गर्मा गर्म मटर पनीर पुलाव बनके तैयार हो चुका है, इसे हम रायते के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसे। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ये आपको कैसी लगी। एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।